हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल परफ्यूम गुरु पर। आज का वीडियो जो है बहुत ही रैंडमली मैं बना रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस टाइम पर। परफ्यूम आपने बहुत खरीदे हैं, परफ्यूम रिव्यूज आपने बहुत देखे हैं, परफ्यूम कलेक्शन बहुत बड़ा बना लिया है, बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया है, सीख लिया है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो भी हमारे परफ्यूम्स बेचने वाले हैं, जो पर्सनली कलेक्ट करने वाले हैं, जो मटेरियल्स खुद खरीद कर घर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, घर पे परफ्यूम ब्लेंड करते हैं, आप लोगों के लिए आज का वीडियो है। तो ये कोई बहुत साइंटिफिकली डिवाइस्ड मेथड नहीं है, ना ही मैं कोई परफ्यूमर हूँ। पहले ही मैं बता देता हूँ, मैं शौकीन हूँ खुशबुओं का, मुझे बचपन से खुशबुओं का शौक है और मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मटेरियल्स जो भी मैंने कलेक्ट किए थे आज तक, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम ही कलेक्ट किए हैं, उनसे ही मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। आज बहुत दिन बाद मुझे मौका मिला कि मैं कुछ अच्छा बनाऊं, मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन जो है मिली यहाँ वहाँ से, थोड़ी बहुत प्रेरणा मिली जाकिर भाई के क्रिएशन से, प्रांजल भाई के क्रिएशन से। दोनों नाम आपने मेरे चैनल पर जरूर सुना होगा, कभी ना कभी दोनों नाम सुने होंगे आपने। तो दोस्तों चलिए मुद्दे पे आते हैं। जो बात है, आज मैंने बनाया है एक अपना पर्सनल ब्लेंड और मैं चाहता था इसे मैं बनाऊँ मजमुआ के स्टाइल में, या फिर कह लीजिए कि जन्नत अल फिरदौस, जो भी ये दो बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम्स हैं इंडिया में, उसका एक नेचुरल वर्जन बनाऊं और ऐसा बनाऊं ये परफ्यूम कि मैं कभी भी लगा सकूं, विंटर्स समर्स कभी भी, और जब भी लगाऊं तो मैं खुश हो जाऊं, मैं बिल्कुल दुनिया की उलझनों से कुछ देर के लिए कहीं और चला जाऊं। मुझे ऐसे समय में जब हर जगह दुख और दर्द का लोग जो है फेस कर रहे हैं डायरेक्टली, इतने प्रॉब्लम्स को, उस समय मुझे कुछ सुकून के पल मिल जाएं, तो ये ब्लेंड मैंने तैयार किया। दोस्तों इस ब्लेंड में ऑफकोर्स आपको दिख रहा होगा ज़्यादा ग्रीन कलर है, ये खूबी है रूह खस की, यानी कि खस का जो तेल हमारे यहाँ बनता है कॉपर के वेसल में, यानी कि तांबे के डेग में, जो ट्रेडिशनल कन्नौजी स्टाइल में, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कह सकते हैं, जो खस का तेल निकाला जाता है खस की जड़ से, वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि खस जो है उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं वो तांबे के बर्तन के साथ रिएक्ट करते हैं, और तांबे का मटेरियल कभी भी जो है किसी भी सिट्रस या कह लीजिए थोड़े एसिडिक कंटेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लू या ग्रीन कलर का एक टिंच छोड़ देता है। ये आम चीज़ है कभी भी, इसलिए एडवाइस करता हूँ तांबे के बर्तन में बस आप पानी ही पिए, दूसरा कोई मटेरियल कभी मत पीजिएगा, वरना तुरंत आपको कॉपर टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रही बात कि दोस्तों इसमें और क्या डाला है मैंने, तो दोस्तों इसमें खस प्रीडोमिनेंट नोट है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत रहती है, खस एक ऐसा नोट है जो विंटर में भी चल जाता है और गर्मी पे तो खास तौर पर बहुत ही मजा देता है। और ये है खस नंबर वन हमारे एस मोहम्मद आयुब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स का कन्नौज से, और इसमें मैंने ऑलमोस्ट कह लीजिए कि अगर 70% खस है तो मैंने इसमें कह सकते हैं 30% जो है मिलाया है, ऑलमोस्ट 30% नियर अबाउट 27% चंदन का तेल मिला है, यानी कि सैंडलवुड ऑयल जो मैंने कन्नौज से मंगाया था वो मैंने इसमें डाला है। कहीं भी आपको मिल जाएगा, आपको मुंबई में इनके स्टोर पर मिल जाएगा, कहीं से भी आप ले लीजिए, सबसे बढ़िया जो ग्रेड होगा चंदन का तेल आप वो लें, और वो मैंने इसमें 27% ऑलमोस्ट मिक्स किया है। ये बन जाने के बाद ऑफकोर्स मुझे पता था कि क्या मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस परफ्यूम से, क्योंकि ऐसा ब्लेंड मैं पहले बना चुका हूं, है मेरे पास गुलाब के साथ, बहुत ही बढ़िया बना था, उसमें भी हसायन का गुलाब मैंने डाला था। तो मैंने तीन ब्लेंड आज तक बनाए अपनी जिंदगी में, ये तीसरा है, और आखिर में मैंने इसमें कुछ बूंद, चंद बूंद, हाँ मुझे लगता है 6 से 8 बूंद जैस्मिन एब्सोल्यूट के डाले हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अली ब्रदर्स से मैंने मंगाया था, देखिए यार बहुत पुराना मटेरियल है मेरे पास, कम से कम नहीं तो 4 साल पुराना होगा ये, और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिस तरीके से रू रजनीगंधा आपने मार्केट में देखा होगा, जो रजनीगंधा का एब्सोल्यूट होता है यानी ट्यूबरोज का एब्सोल्यूट होता है, वैसे ही जैस्मिन संभाग यानी कि मोगरा यानी कि बेला मोतिया का एब्सोल्यूट है, और इस एब्सोल्यूट को यूजुअली ये CO2 एक्सट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये एक अलग तरीका होता है। ऐसे जो फूल बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, उनसे उनकी खुशबू निकालने का तरीका, जिस तरीके से यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन या हाइड्रो डिस्टिलेशन होता है, वहाँ पर CO2 से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गैस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बेसिक मेथड है वो। 6 से 8 बूंद क्योंकि वो सुपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो इसमें जाने के बाद बहुत ज़्यादा अपनी खुशबू छोड़ता है, बहुत ही पावरफुल मटीरियल, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मटीरियल है वो। फ्लोरल खुशबू यहाँ पर जाने के बाद एक अलग ही डायमेंशन आ गया इस परफ्यूम को,
और जो चंदन मैं आपको बताना भूल गया, जो चंदन मेरे पास है बहुत पुराना है, उसके अंदर मैंने केसर का एक पूरा डब्बा डाल के रखा था, बहुत बढ़िया केसर था मेरे पास, उसे पूरा डाल के रखा था, ऑलमोस्ट वो भी 4 साल पुराना है, उसमें 3 या 4 साल उसमें केसर के स्ट्रैंड्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा केसर अपनी खुशबू इस तरीके से छोड़ता नहीं, उसे पीस के डालना पड़ता है, बट मैंने ऐसे ही उसमें रखा था, वो डाला है मैंने। केसर की कुछ खास खुशबू नहीं आ रही, बट 3-4 साल रहने से थोड़ी बहुत खुशबू आ जाती है तेल के अंदर, इसको मैसरेशन बोलते हैं। अब जो लास्ट इसमें कंपोनेंट है दोस्तों, वो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स और आपका भी, जो है इंडियन ऊद, दुनिया में सबसे बेहतरीन ऊद। जितने भी ब्रांड्स आए गए, जितने भी बड़े बड़े सो कॉल्ड ऊद बेचने वाले हैं दोस्तों, बहुत आए इंडिया से लेकर गए, बेचा उन्होंने बहुत, श्रीलंकन ऊद, कंबोडियन ऊद वगैरह, दोस्तों आज भी मैं कहता हूँ सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल है इंडियन ऊद। आप अगर उसे इंडिविजुअली लगाएंगे तो हो सकता है आप उसे पसंद ना करें, क्योंकि उसकी एक बहुत स्ट्रांग पोटेंट लेदरी स्मेल होती है जो काफ़ी लोगों को नाराज कर सकती है, लेकिन जब आप उसको ऐसे स्ट्रांग परफ्यूम ब्लेंड में डालते हैं तब आप उसका जादू देखेंगे। जिस तरीके से वो बेस मटेरियल्स के साथ ब्लेंड करता है, मिक्स करता है, जिस खूबसूरती से वो इनके साथ घुल मिल जाता है, जैसे कि दोस्त पुराने स्कूल के जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कल ही हम एक दूसरे से अलग हुए थे, उसी तरीके से यहाँ पर मटेरियल्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो मैंने डाला है ऑलमोस्ट 6 ml, वो मैंने इसमें डाला है, जो सबसे बढ़िया, मतलब कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट इंडियन ऊद, स्ट्रांग पोटेंट लेदरी जो बहुत देर तक चलता है, वो अजरा की ऊद मैंने डाला, आसाम का, जो मैंने लिया था अतर मोहम्मद आयूब जी से बॉम्बे में, मुंबई में। अब वो जब सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, मैंने इसे कुछ देर छोड़ दिया, वैसे लोग एडवाइस करते हैं कि 24 घंटा छोड़ना चाहिए, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखिए तो उसका कोई सेंस नहीं है अतर की दुनिया में, क्योंकि सारे कॉन्सेंट्रेटेड मटीरियल्स हैं, इसको मच्योर होने में यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेविटी आने में, यानी कि जो सारा एक मिश्रण जो है, एक खूबसूरत गज़ल बन के निकले इसके अंदर से, एक खूबसूरत संगीत बनकर निकले, हारमोनी बन के निकले, तो उसे कुछ दिन मेलोडी बन के निकले तो उसे छोड़ना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, जितने दिन तक रहेगा उतना अच्छा होता जाएगा। आप देखेंगे महीने महीने साल बीत जाएंगे, दिन महीने साल, और ये और खूबसूरत होता चला जाता है। ये परफ्यूम ऑलरेडी बहुत अच्छा है अभी इस फॉर्म में, बहुत इसके अंदर से फ्रेश थोड़े से शार्प नोट्स निकल रहे हैं, बट मेरा ये जो मेरा जो अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है अपनी पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने बाद ये जो कॉम्बिनेशन है ये लाजवाब होगा, और गर्मी के दिनों में मैं इसे आराम से लगा सकता हूँ। परफ्यूम वर्फ्यूम कुछ भी लास्ट नहीं करता है, अगर आप देखिए लाइट परफ्यूम्स की बात करो इंडियन वेदर में, ये दोस्तों एक ऐसी खुशबू है जो चेंज करेगी आपकी स्किन पर। टॉप नोट्स में आपको जैस्मिन की खुशबू मिलेगी, फूलों की खुशबू, बीच में आपको संदल की मिठास मिलेगी, खस का जो एक ग्रीन सा एनवेलपिंग जो वाइल्ड खुशबू है विल्डरनेस की वो मिलता है, उसके अंदर आपको हर तरह की खुशबू मिल जाएगी, खस अपने आप में एक परफ्यूम है। लास्ट में आपको ऊद की मिठास मिलेगी, वो बिल्कुल भी उसका जो लेदरी नोट होता है वो नहीं मिलेगा, मिठास मिलेगी, और धीरे धीरे करके वो सब जब मिक्स हो जाएंगे हवा में तो एक जादुई ब्लेंड बन के निकलता है। और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है, और कोई भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, एक बढ़िया हॉबी है, इसे आप एक्सप्लोर करें, समझें और एंजॉय करें, और अगर आपको ये ब्लेंड अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये नेमत का अगर आपने मजमुआ लगाया है, या अगरवुड असम का यानी कि जाकिर भाई का आपने काफिला लगाया है, इत्र काफिला, तो आप समझेंगे कि मैंने क्या बनाया। और ये जो बनेगा, अगर इस तरीके के मटेरियल आप ढूंढ कर इसमें डाल पाए, तो मैंने आज खुल के आपको बता दिया, दिस विल बी द बेस्ट ट्रेडिशनल इंडियन परफ्यूम मुखल्लत दैट एनीवन कैन मेक। आई कैन टेल यू विथ 100% गारंटी, इस तरीके का ब्लेंड आपने कभी ना सूंघा होगा, ना आपने कभी इमेजिन किया होगा, क्योंकि मैंने इसे बनाया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मटेरियल्स की खूबसूरती है, ये बनाने वालों की खूबसूरती है, बट वो क्या होता है ना कि सब अपने मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। मैंने किया है और ये बहुत ही बढ़िया बन के निकला है, बहुत खुश हूँ, घर पे भी मैंने सबको टेस्ट कराया, अच्छा लगा लोगों को, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। हो सकता है कि बहुत लोगों को अच्छा ना लगे, स्पेशली उन लोगों को जिनको इत्र की आदत नहीं है, स्ट्रॉन्ग खुशबुओं की आदत नहीं है, जिन्हें फ्रेंच परफ्यूम्स या लाइट नोट्स, मरीन नोट्स ये पसंद है, उनको हो सकता है पसंद ना, बट जो क्लासिक इत्र पसंद करने वाले लोग हैं ट्रेडिशनल, वो खुशी से मदमस्त हो जाएंगे। डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में आज का वीडियो कैसा लगा, कुछ अच्छा लगा, कुछ यूनिक लगा, और इस तरीके के कभी मैं ब्लेंड बनाता हूँ जो बहुत ही रेयरली होगा तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा, आपके साथ अपना सीक्रेट फॉर्मूला जरूर शेयर करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार परफ्यूम रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अच्छे से रहिए।